अभी हम संस्कृत पढ़ेंगे, तो संस्कृत में है, बहुत ब्रेक हो गया था बीच में, फिर भी संस्कृत का आज हम पढ़ेंगे। फिफ्थ पार्ट, पंचम पाठ, सहैव परमाणु। इसमें एक संभाषण है एक पुत्र और पिता के बीच में, तो वो परमाणु के ऊपर क्या संभाषण, मतलब क्या बातचीत होती है उनके ऊपर, उनके साथ आपस में, वो सब इसमें लिखा हुआ है इस पार्ट में। तो उन्होंने पहले ब्रैकेट में लिखा है संभाषण स्टार्ट होने से पहले कि क्या हुआ था। वो बोलते हैं कि अर्णव जपाकुसुम, मतलब जासवंद, जासवंद का फूल, अर्णव जपाकुसुम गृहीत्वा प्रविशति, गृहीत्वा मतलब लेकर और प्रविशति मतलब प्रवेश करना, इंटर करना। तो क्या बोलते हैं कि जो अर्णव है, जो माइक्रोस्कोप से देख रहे इधर के चित्र में, जो अर्णव है वो जपाकुसुम मतलब जासवंती का फूल लेकर, जासवंती का फूल हाथ में लेकर प्रविशति मतलब प्रवेश कर रहा है। तस्य पिता, तस्य मतलब उस अर्णव के पिता, तस्य पिता मतलब तैसे पिता, तैसे मराठी चले, उसके पिता विज्ञान से प्राध्यापक, मतलब उसके जो पिता थे वो क्या थे, विज्ञान से प्राध्यापक, मतलब विज्ञान का जो सब्जेक्ट था साइंस, साइंस के वो टीचर थे, प्राध्यापक मतलब टीचर। सह पुस्तक पठने मग्न, वो जो उसके पिता थे सह, उनके लिए यूज किया गया सर्वनाम है, सह पुस्तक पठने मग्न, वो पुस्तक पठने में मतलब पुस्तक पढ़ने में, पठने मतलब पढ़ना, रीडिंग करना, वो पुस्तक पढ़ने में मग्न थे, तन्मयता से वो पुस्तक पढ़ रहे थे। तस्य पार्श्वे, तस्य मतलब उनके पीछे, उसके पिता के पीछे, पार्श्वे मतलब पीछे, उत्पीठिकायां, उत्पीठिका मतलब टेबल, उत्पीठिकायां मतलब टेबल के ऊपर सुष्मिशिका वर्तते, उनके पीछे टेबल के ऊपर क्या था, सुष्मिशिका, सुष्मिशिका मतलब माइक्रोस्कोप था, उनके पिता के पीछे जो टेबल था उसके ऊपर माइक्रोस्कोप था। तो अर्णव क्या बोलते हैं, अर्णव पितः मतलब बाबा, पितः अस्माकं मतलब हमारे उद्यान, मतलब जो बाग है हमारे उद्यान से, जपाकुसुम आनयित मया, आनयित मतलब लेखा है और मया मतलब वो अर्णव खुद। तो क्या होता है कि पिता मतलब बाबा, मैंने हमारे अस्माकं मतलब हमारे उद्यान, मतलब मैंने हमारे बगीचे से क्या लाया है, जपाकुसुम आनयित मया, मतलब मैं जपाकुसुम जो फूल है, जासवंद का जो फूल है, वो मैं लेके आया हूँ। कियत मतलब किति मतलब कितना, कितना सुषमा, सुषमा मतलब लहान, कितना लहान या फिर छोटा, तस्य परागकन मतलब जो उसने जासवंद का फूल लाया था उसके बारे में बातचीत हो रही कि कितना उसका जो परागकन है वो कितने सूक्ष्म है, उसके परागकन, परागकन मतलब उस फूल के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसको परागकन बोल, परागकन बोलते हैं, पॉलिनेशन। तस्य मतलब उस जासवंद के फूल के जो परागकन है वो कितने सूक्ष्म है, मतलब कितने छोटे छोटे है। तो पिता क्या बोलते हैं उसके, सूक्ष्म शिकाया पश्चम मतलब माइक्रोस्कोप से देख ले, पश्चिम मतलब देखना, वो बोलते कि माइक्रोस्कोप से तू देख ले। तेषां कणानां, तेषां मतलब उस कण, जो कण है उसकी रचना, मतलब उसको तुझे स्ट्रक्चर भी पता चलेगा, अपि दृष्ट शकुनोषि, शकुनोषि मतलब देख सकता है, और दृष्ट मतलब देखना, मतलब अगर तू उस परागकण को माइक्रोस्कोप से देखेगा अच्छे से तो तुझे उस परागकण की रचना, मतलब उस परागकण का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बने हैं वो भी तू देख सकता है, शकुने से मतलब सकता है। तो क्या बोलते कि तुझे अगर उसकी रचना देखनी है तो क्या कर, माइक्रोस्कोप से देख, सुष्मिका या पश्चिम तेषां कणानां, अगर तू सुष्मिका मतलब माइक्रोस्कोप से देखेगा तुझे उस कण की रचना भी दिखेगी, मतलब उस कण का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिखेगा और तू देख सकता है। तो अर्णव तथा करोति, मतलब जैसे पिता बोलते हैं तो अर्णव उसी प्रकार करता है, तथा करोति मतलब उसी प्रकार वो करता है। फिर पिता बोलते कि किम दृष्ट्वा त्वया, मतलब तुझे क्या देखा, कि मतलब क्या, कृष्ण मतलब देखना, वया मतलब तुझे, तो उसके पिता बोलते कि तुझे क्या देखा। फिर अर्णव बोलता है पितः मतलब पिता बाबा, अद्भुत मतलब ये तो अद्भुत है, सूक्ष्म कणेषु तस्य अंगानि दृश्यन्ते, मतलब माइक्रोस्कोप में से उसको क्या दिखता है, तस्य उस पराकन के, मतलब उस पराकन के अंगानि, अंगानि मतलब पार्ट्स, दृश्यन्ते देखते हैं, मतलब उसको माइक्रोस्कोप से वो जो पराखन थे उसको, उसको पार्ट भी दिखने लगे, भाग, उसके भाग दिखने लगे। तो पिता बोलते हैं अर्णव एतानि पुष्पस्य अंगानि त्वं सुष्मिशिकया दृष्टु शक्नोषि, अर्णव एतानि मतलब ये जो फूल है उस पुष्प, ये फूल, पुष्प मतलब फूल, उसके
के अंदर मतलब उसके जो पार्ट्स है, त्वम मतलब तू, अन्नपूर्ण ने त्वम सर्वनाम यूज किए। सूक्ष्मशिका मतलब माइक्रोस्कोप, दृष्ट मतलब देखना, औषधि निष्ठ मतलब देख सकता है। तो क्या बोलते हैं कि अन्न तू इस पुष्प के अंगा ने मतलब इस पुष्प की जो बॉडी पार्ट उसकी जो पार्ट्स है तू माइक्रोस्कोप से देख सकता है। परंतु मतलब किंतु एतत मतलब इसके सॉरी परंतु मतलब किंतु एतत विश्वम परमाणुभ्य निर्मिता मतलब जो विश्व है हमारा ये विश्व एतत मतलब ये विश्व परमाणुभ्य मतलब परमाणु के परमाणु से मिलकर निर्मित है, निर्माण हुआ है। निर्मित होना मतलब निर्माण होना, बना हुआ है। तो हमारा जो विश्व किससे बना है, परमाणु के कण से। ते परमाणुभ्य ते सूक्ष्मशिका अपि न दृश्यते, और जो वो परमाणु कण है जिससे पूरा विश्व बना है, वो परमाणु कण हमको माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते। अपि न दृश्यते मतलब नहीं देख सकते, सूक्ष्मशिका मतलब माइक्रोस्कोप मतलब जिस परमाणु कण से हमारा जो पूरा विश्व बना है उसको हम माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। अर्थव परमाणु नाम किम मतलब वो भी पिता से पूछते कि परमाणु मतलब क्या, फिर पिता बोलते अस्तु मतलब ठीक है, कथयामि मतलब मैं तेरे को बताता हूँ या फिर बताता है। मुष्टिमात्रा मतलब मुठभर तंडुलान महानसत आनय, तंडुलान मतलब चावल, महानसत मतलब किचन अपना स्वयपाक गृह, आनय मतलब ले क्या। तो फिर वो क्या बोलते ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ, तो क्या कर पहले अपने किचन से मुठभर चावल ले क्या, ठीक है। फिर अन्ना बोलता है, फिर अन्ना का है कि तथेति उक्त्वा पाकक गृह तंडुलान आनयति मतलब वो भी बोलते कि ठीक है, और वो अपने पाकक गृह से मुठभर तंडुलान मतलब वो मुठभर चावल लेके आ जाते हैं। स्वीकृति भवान, फिर वो बोलते कि बाबा ले लो आप, स्वीकृति मतलब बाबा ले लो। फिर पिता बोलते हैं अधुना यम तंडुल विभज, अधुना मतलब अभी, यम मतलब इस जो तांडुल है चावल है, विभज मतलब फोड़ दे, इसकी टुकड़े कर दे अभी इस चावल के। तो पिता बोलते कि अधुना मतलब अभी इस चावल की तू टुकड़े कर दे, विभज मतलब उसको फोड़ना या फिर उसके भी टुकड़े कर देना। तो अन्नव बोलते तात, तात मतलब भी बाबा के लिए यूज किया जाता है, पिता के लिए यूज किया जाता है। तात क्रियान लघु, क्रियान मतलब कितने छोटे है ये चावल, कितने छोटे है अस्तेश मतलब कितने लघु, अस्तेश मतलब कितने छोटे ये चावल है, चावल के लिए यश सर्वनाम यूज किया है कि वो चावल कितने छोटे हैं। पश्चितु मतलब देखो, एतस्य मतलब इसके भागद्वयम मतलब इसके दो भाग दो पार्ट, कथा यथा कथम ही कर्तु मया, यथा कथम मतलब कैसे पैसे कृतु मतलब किए मैंने। तो बोलते कि ये चावल के जो इतना छोटा सा चावल है इसने मुश्किल से मैं दो पार कैसे पैसे किए, कृति मतलब किए और मया मतलब मैंने, बोलते कि मैंने मुश्किल से चावल के कैसे पैसे दो पार्ट किए। पिता ये तो अभी मतलब बोलते कि ऐसे भी इससे भी लघुतरम भाग कर्तु शक्यते वा, लघुतरम मतलब इस छोटे पार्ट से भी और छोटा भाग उसका अधिक लहान भाग कर तुम मतलब कर सकते, और ऐसा शक्य है क्या मतलब ये पॉसिबल है क्या कि चावल के तुमने दो पार्ट किए उससे भी और छोटे भाग इससे इसकी कर सकते हैं हम। तो फिर वो बोलते हैं अर्ना यदि क्रियते मतलब अगर हमने ऐसा किया भी इसके और छोटे पार्ट किए तो क्या होगा, यदि क्रियते तही तो क्या होगा, चूर्णम भवते तस्य, चूर्णम मतलब अगर हम इसके और भी छोटे छोटे पार्ट करेंगे चावल के जिसने उसने दो पार्ट किए थे उसको और पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, चूर्ण मतलब आटा, आटा बन जाएगा वो चावल, चावल का आटा हो जाएगा। फिर पिता बोलते हैं समग्र मतलब बरोबर, तूने बराबर बोला, उक्त्वा मतलब तूने बराबर बोला, त्वया मतलब तूने, एतत्र एतत् विभाजन संपायते मतलब एक समय ऐसा आता है या फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम चावल को और विभाजन नहीं कर सकते या फिर उधर हम रुक जाते हैं। एतत्र विभाजन, विभाजन करना मतलब उसको और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते, यस्मात् सूक्ष्मांतरम भाग प्राप्त न शक्यते, या फिर इसके अलावा हमको और छोटे छोटे पार्ट्स उस चावल के करना या फिर मिल नहीं सकते, नहीं मिल सकते हमको। एवं परमाणु, और उसको ही परमाणु बोलते हैं। फिर आगे है अर्णव द्रवस्य अंतिम घटक मूल तत्व परमाणु सत्य खलु, द्रवस्य मतलब
और मतलब एनी काइंड ऑफ मटेरियल या फिर लिक्विड, उसका जो लास्ट वाला घटक होता है, घटक मतलब एलिमेंट, और उसका जो मूल तत्व होता है वो इस वही परमाणु होता है ना। मैंने बराबर बोला ना, सत्य खुल मतलब बराबर है ना। फिर पिता बोलते कि सत्यम बराबर है कि हर एक द्रव्य का जो लास्ट एलिमेंट होता है, घटक होता है, उसको ही परमाणु बोलते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अयम खलु, यही सच में कि कणाद महर्षि सिद्धांत, जो परमाणु का सिद्धांत है वो किसका है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल, वो सिद्धांत जो है वो कणाद महर्षि थे, उन्होंने वो सिद्धांत लिखा था। अभी जानसी मतलब तुझे पता है परमाणु द्रव्य से मूल कारण मिलती तेना महर्षि ने प्रतिपादनम, मतलब तुझे पता है क्या जो परमाणु का मूल कारण है, परमाणु द्रव्य से मूल कारण मतलब जो मटेरियल है आज भी चीजें हम देखते हैं उसका मूल कारण क्या है, तो परमाणु है। इति तेना महर्षि ने प्रतिपादनम, और जो है सब जो इसका एक्सप्लेनेशन है किसने किया था, तो महर्षि ने प्रतिपादन किया, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया था कि परमाणु से कैसे चीजें बनी है और द्रव्य का मूल कारण परमाणु कैसे है, वो उन्होंने प्रतिपादन किया था, अच्छी तरीके से समझाया था। प्रतिपादन करना मतलब अच्छी तरीके से समझाना। तदि तद अपि प्राय, वो भी कब समझाया था, प्राय मतलब शायद, शायद ने कब समझाया था, ख्रिस्त पूर्व पंचमे षष्ठे व शतके, शतके मतलब 100 100, पंचमे षष्ठे मतलब उन्होंने शायद से 500 या फिर 600 सेंचुरी में वो समझाया था, एक्सप्लेनेशन किया था अच्छी तरीके से कि परमाणु होता क्या है उस समय में। और ना होता कि तात बाबा महर्षि ना कदा कना देना किम किम उक्त्वा परमाणु विषय, मतलब जो महर्षि है महर्षि ऋषिकनाद, उन्होंने परमाणु विषय मतलब परमाणु के बारे में किम किम उक्त्वा मतलब क्या क्या बोला था या फिर क्या क्या उन्होंने लिखा है। वयम तो केवल मतलब हम, वयम मतलब हम तो केवल, केवल मतलब सिर्फ, तो हमें तो क्या सिर्फ पता है, तस्य महाभाग से नामध्यम एव जानन, मतलब हम जो लोग हैं हमें तो केवल उस महापुरुष का सिर्फ नाम ही पता है, जानन मतलब पता है, फिर हम जानते हैं उस महापुरुष का नाम। पिता बोलते कनाद मुनि ना प्रतिपादित, मतलब कनाद मुनि ने समझाया था फिर प्रतिपादन किया था, परमाणु अति इंद्रिय मतलब परमाणु ऐसा घटक है कि जिसको हम इंद्रियों से जान नहीं सकते, मतलब आंखों से देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, ऐसा घटक है जिसको हम इंद्रियों से जान नहीं सकते, बहुत सूक्ष्म होता है मतलब बहुत छोटा होता है, निर्व अवयव मतलब उसको कोई अवयव नहीं होता, अवयव मतलब बॉडी पार्ट्स, उसे कोई बॉडी पार्ट्स नहीं होते, पार्ट्स नहीं होते, नित्य मतलब वो हमेशा रहते सदा, और स्वयं व्यावर्तक और उसके खुद के कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं खुद के, तो ऐसा होता है परमाणु। और इस परमाणु के बारे में उन्होंने क्या बोला कि आगे वैशी सूत्राणि इति स्वग्रंथे तेना परमाणु व्याख्याकृता, मतलब उनका एक ग्रंथ है जो उन्होंने खुद लिखा था, वैशी सूत्राणि उस ग्रंथ में उन्होंने परमाणु की व्याख्या दी थी, व्याख्या मतलब डेफिनेशन, हम परमाणु के बारे में जो डेफिनेशन है उनकी, उनके ग्रंथ में है, और उस ग्रंथ का नाम है वैशिक सूत्राणि जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में उन्होंने परमाणु की व्याख्या दी थी। फिर आगे अर्णव बोलता है का सा वाक्य मतलब ती, सा मतलब ती, का मतलब क्या, व्याख्या मतलब वो व्याख्या है क्या। फिर पिता बोलते हैं जाल सूर्य मरीचितस्त ये तो सूक्ष्म दृश्यते रज, रज मतलब धूलिकण, तस्य षष्ठो तमे भाग मतलब तस्य मतलब उसका षष्ठ मतलब सावा मतलब छठा भाग परमाणु से उच्चते, तो क्या बोलते हैं कि जब हम घर की विंडो से, जान मतलब घर विंडो खिड़की, घर की विंडो से जब सूर्य की कितनी नजर आती है या फिर सूर्य प्रकाश अंदर आता है, तो सूर्य प्रकाश में हमको धूलिकण नजर आते हैं, मतलब रज मतलब धूलिकण, छोटे छोटे से धूलिकण नजर आते हैं सूर्य की किरणों में, वो जो धूलिकण है जो हमको नजर आते हैं सूर्य की किरणों में, उसका जो सिक्स पार्ट है, छठवां भाग जो है 1/6, उस पार्ट को परमाणु कहा जाता है, मतलब परमाणु उससे भी छोटा होता है, उसका सिक्स पार्ट होता है परमाणु। अन्ना होता है फिर अहम एतद् विषय विस्तर पठित इच्छामि, अहम मतलब माला या फिर मुझे एतद् विषय मतलब इस विषय के बारे में विस्तर मतलब और डीप से या फिर और अच्छे तरीके से पढ़ने की इच्छा है, मुझे इस विषय के बारे में और डीप से या फिर और अच्छे
बोलते कि उत्तम, अच्छी बात है। शुभ, शुभ मतलब टुमारो या फिर कल। तो फिर वो बोलते कि शुभ मम महाविद्यालय आगच्छ, मतलब कल तू मेरे साथ मेरे महाविद्यालय में आ जा। आगच्छ मतलब भविष्य काल का क्रियापद है, आगच्छ मतलब चल या फिर आ जा। तत्र तनात विषयकानि नैकानि पुस्तकानि सन्ति, नैकानि मतलब बहुत सारे। बोलते कि उधर तनात विषय मतलब जो महर्षि तनाद है उनके बारे में बहुत सारी बुक्स है, पुस्तकानि सन्ति। तब जिज्ञासा निच्छिन्न शामयति, मतलब तेरी जो जिज्ञासा है कुछ जानने की उनके बारे में, वो जरूर शामयति, जरूर पूरी हो जाएगी या फिर शांत हो जाएगी। इतनी उधर पुस्तक है कि तू पढ़ेगा तो तेरी जिज्ञासा है वो पूरी शांत हो जाएगी।